दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था मुकाबला आखिरी टेस्ट मैच था और इसके बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी इसी महीने जाना है और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 सीरीज खेली जाएगी। लेकिन कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचा रखा और कुछ लोगों की इसकी वजह से ग्रस्तित भी हो रहे हैं, जिसके चलते भारत के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को यकीन दिलाया है कि बायो बबल में कोई भी कमी नहीं जाएगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा देखते हुए हम ये सीरीज शुरू करेंगे, मेहमानों के इस दौरे पर आने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी हाल ही में आई खबर के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को देखते हुए दौरे पर जाने से मना कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें इनसाइड रिपोर्ट की खबरों के मुताबिक बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि निश्चित रूप से खिलाड़ियों के मन में इसे लेकर चिंता बनी हुई है और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी इस दौरे पर जाने से मना कर रहे हैं। बीसीसीआई हमेशा ऐसे मामलों से कोई फैसला लेने से पहले खिलाड़ियों की राय लेना जरूरी समझती है और उनकी बात सामने रखती है और हमें उम्मीद है कि ये दौरा पीते सुरक्षा के साथ शेड्यूल के साथ ही खेला चलेगा। इसके पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे इस मामले के बारे में पहले बीसीसीआई के बात करेंगे और इसे लेकर आने वाले कुछ ही दिनों में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी और स्थिति के बारे में हमें सारी जानकारी भी मिल जाएगी। खैर दोस्तों देखना यह है कि कोरोना के चलते दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारत और टीम का क्या फैसला होता है और इसका सुरक्षा क्या इंतजाम होता है। दोस्तों आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।